एक बार प्रेम से बोले हर हर महादेव। देखिए हमारे देवादेव महादेव तो इतने भोले भाले हैं कि ये तो पता नहीं किस पर प्रसन्न हो जाए। इनका नाम ही है भोले भाले। ये भक्तों के लिए बड़े भोले हैं और दुष्टों के लिए भाले हैं। एक चोर चोरी करने के लिए जाता था। बड़ी सुंदर कथा है, ध्यान से सुने। एक चोर चोरी करने के लिए रोज जाता तो रास्ते में क्या भगवान का मंदिर मिलता था, भोले भाले शंकर भगवान का मंदिर मिलता। तो आपने देखा होगा कि भगवान शिव के जितने भी मंदिर होंगे वो ग्रामीण एरिया से बाहर होंगे। ज्यादातर 90% मंदिर जंगलों में होंगे, क्योंकि भगवान को एकांत में ही अच्छा लगता है। अब चोर चोरी करने के लिए जाता था, भगवान के चरणों में बिल्कुल सर झुका करके जाता, पैर छुके जाता, घंटा बजा के जाता, प्रभु अब मैं लौटूं तो कुछ ना कुछ बनना चाहिए, काम बनना चाहिए, जिसके लिए मैं जा रहा हूँ वो कार्य सफल हो जाए। तो भगवान तो सबकी ही सुनते हैं, चाहे वो भक्त हो, चाहे वो दुष्ट हो, चाहे वो चोर हो, चाहे कसाई हो, कुछ भी हो, सब लोग अपने अपनी दुकान में जाकर के कौन सा भी कैसा भी कार्य करते हैं, लेकिन वो अपने पैसा कमाने के लिए करते हैं, परिवार पालने के लिए करते हैं, चोर भी चोरी करने के लिए, भगवान सबकी सुनते हैं। एक दिन क्या हुआ कि उसको रोज जाता चोरी करके लाता, एक दिन उसकी व्यवस्था नहीं बनी। भाई चोरी करके लौट रहा था लेकिन चोरी करने के लिए क्या व्यवस्था नहीं बनी, और व्यवस्था नहीं बनी तो भोले बाबा पर बड़ा गुस्सा हुआ। भोलेनाथ में रोज पैर चुके जाता तुम्हारे, घंटा बजा के जाता, आज मुझे कोई भी वस्तु नहीं मिली है, मैं अपने परिवार का कैसे पालन करूंगा, कैसे निर्वाह करूंगा। तो क्या किया उस चोर ने, उसके दिमाग में आया कि भोले बाबा का घंटा बहुत अच्छा है, बोले कुछ व्यवस्था नहीं बनी तो भोले बाबा के पास तो कोई ना कोई भला भक्त आ ही जाएगा, वो चढ़ा ही देगा घंटा, और घंटा चढ़ा देगा तो भोले बाबा के पास अपने परिवार का पालन करूंगा। क्या किया उसने, जैसे घंटे के ऊपर देखा, घंटे को देखते ही ऊपर हाथ बढ़ाया। अब हाथ बढ़ाया, भगवान की कृपा, भगवान की लीला, घंटा ऊंचा हो गया, हाथ नहीं पहुंचा। जब हाथ नहीं पहुंचा तो उसने सोचा मैं रोज जाता हूं तो घंटा बजा के जाता हूं, लेकिन ये घंटा ऊंचा कैसे हो गया। अच्छा उसने क्या किया कि जब घंटा ऊंचा हो गया तो दो ईंटें उठाई, जो ईंट होती है जिससे मकान बनाया जाता है, तो ईंट दो ईंट रख करके फिर उसने ऊपर हाथ बढ़ाया, फिर घंटा ऊंचा हो गया, फिर भी नहीं पहुंचा। अब वो इसी प्रकार से कोई ना कोई उपाय करता रहा लेकिन घंटा हाथ में नहीं आया। अब घंटा हाथ में नहीं आया तो उसने क्या किया, उसके दिमाग में एक ही उपाय सूझा। उसने कहा कि बस सबसे ऊंचे तो ये भोले बाबा ही है, शिवलिंग के ऊपर जैसे ही पैर रख करके जैसे ऊपर को हाथ बढ़ाया तो घंटा हाथ में आ गया, और घंटा जैसे ही हाथ में आया तो भगवान देवादेव महादेव भूतनाथ प्रकट हो गए। सभी लोग प्रेम से बोले हर हर महादेव, और जैसे ही घंटा हाथ में आया भोले बाबा प्रकट हो गए, घंटा भी हाथ में आ गया, बाबा भी प्रकट हो गए, बोले ब्रह्मरूही प्रदान बांगला। भक्त ने सोचा चोर है, उसके दिमाग चोर के दिमाग में यही होगा कि पता नहीं कौन आ गया, वो भागने की कोशिश कर रहा, बोले भागो मत, मैं भगवान हूँ, मुझे देवादेव महादेव कहते हैं, शंकर कहते हैं, शिव कहते हैं। बोले आप शंकर भगवान हैं? बोले हाँ। बोले प्रभु मुझसे गलती हो गई, मुझे क्षमा कर दे। भगवान ने कहा मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ, तुम वरदान मांगो। अरे चोर बोला पहली बात तो मैंने जीवन में कोई अच्छा काम नहीं किया, और चलो ठीक है मैं दूसरों के यहाँ जाकर के चोरी करता था, जहाँ दान करना चाहिए वहां से भी मैं तुम्हारे घर से भी तुम्हारे मंदिर से मैं घंटा चोरी करने के लिए आया, आप कह रहे हैं कि वरदान मांग लो, ऐसी कौन सी बात है, ऐसा मैंने कौन सा अच्छा कर दिया। देवादेव महादेव भूतनाथ भूत भावन शंकर भगवान बोले पुत्र अभी तक जितने भक्त मेरे मंदिर में आते थे, कोई तो गंगा जल चढ़ाता था, कोई धतूरा चढ़ा देता, कोई दूध चढ़ा देता, कोई दही चढ़ा देता, लेकिन ऐसा कोई भक्त नहीं मिला
सब कुछ चढ़ा दिया, लेकिन तू तो सब कुछ छोड़ करके स्वयं ही मेरे ऊपर चढ़ गया। बोलिए शंकर भगवान की जय। और जैसे ही ऊपर चढ़ गया तो अब तू खुद ही चढ़ गया है, तो मैं बड़ा प्रसन्न हूं। दुनिया की वस्तुएं तो सब कोई चढ़ाता है, लेकिन खुद कोई चढ़ना नहीं चाहता, तू खुद ही चढ़ गया। तो भगवान प्रसन्न हो गए, तो उसको वरदान दिया। उसने वरदान यही मांगा, उसकी बुद्धि शुद्ध हो गई। जिसके सामने भगवान आ गए हो तो उसकी तो बुद्धि शुद्ध हो ही जाती है। और उसने जैसे ही प्रसन्न होकर के कहा, प्रभु मुझे कोई वरदान नहीं चाहिए, बस अगर देना ही चाहते हो तो मैं आपके मंत्र का पुजारी बनकर के रहना चाहता हूँ, सारे जीवन पर्यंत आपकी सेवा करना चाहता हूँ। बोलिए शंकर भगवान की जय जय। तो ऐसे होते हैं भगवान, ऐसे हमारे देवादेव महादेव हैं, जो बस पता नहीं किस पर खुश हो जाए।